हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ऑरेंज कलर का आई मेकअप शेयर करूंगी, तो आप इसे अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का मेकअप आई मेकअप करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस मैंने रेडी किया हुआ है, तो आईज़ पर कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो आई पर अपनी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कंसीलर फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आफ्टर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इसी तरीके से हमें कंसीलर को अप्लाई करना है। तो कंसीलर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं एक फ्लफी ब्रश से लूज़ पाउडर को अपने कंसीलर को सेट करने के लिए इस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो लूज़ पाउडर को इस पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मिस क्लेयर का आई शेडो पैलेट से यहाँ पर ट्रांजिशन कलर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रीच एरिया पर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर आफ्टर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इसको अप्लाई करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छे से आएगा। तो इसको ब्लेंड करेंगे। तो ट्रांजिशन कलर को मैंने अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। सेम पैलेट से यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर को मैं अपनी क्रीच एरिया पर अप्लाई करूँगी। तो ट्रांजिशन शेड के इसका जस्ट ऊपर ही मुझे इसको ब्लेंड करना है। Feels so, 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 feels so
तो यहाँ पर सेम पैलेट से डार्क ब्राउन कलर को यूज़ करेंगे। तो इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते जाएंगे जिस तक कि हमें हमारा परफेक्ट कलर ना मिल जाए। तो यहाँ पर सेम पैलेट से फिर से ट्रांजिशन कलर को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्विस ब्यूटी के मूज पैलेट से यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को अपनी आईज पर अप्लाई करूँगी। तो इसको हल्का सा पहले ब्रश से अप्लाई करूँगी और ये ब्रश से इतना अच्छे से इसका पिगमेंट आई नहीं आता है, तो इसको मैं फिर इसके बाद में फिंगर से अप्लाई करेंगे। फिंगर से ये बहुत ही अच्छे से आईज पर अप्लाई होता है। तो अगर इस तरीके का आप पैलेट यूज़ कर रहे हैं, कोई मूज पैलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको फिंगर से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैं इसको फिंगर से अप्लाई करूंगी और आप देखेंगे कि फिंगर से कितना इजी अप्लाई हो जाता है और इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ही बढ़िया आता है फिंगर से। तो इसको अप्लाई कर लेंगे। पर सेम पैलेट से अब मैं गोल्डन कलर इसके ऊपर टच करूंगी और इसको अप्लाई कर लेंगे। हल्का सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑरेंज कलर ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ब्राइट है। तो उसको हल्का सा टच करेंगे गोल्डन कलर को फिंगर से ही। तो सेम दूसरी आईज पर भी कंसीलर अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर लूज पाउडर से इसको सेट कर लेंगे। तो लाइनर को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बहुत ही थिन लाइनर मेरे को अप्लाई करना है। तो लो वाटर लाइन पर यहाँ पर काजल को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं हल्का सा ऑरेंज कलर को अप्लाई किया है, फिर उसको मैं स्मच कर रही हूँ और इसी में मैंने हल्का सा गोल्डन कलर टच किया है। टच करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पर न्यू शेड आईज में अप्लाई किया है, तो आप ब्लैक कलर का काजल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने न्यूड शेड यूज़ किया है। तो मैबलिन का मस्कारा लिया हुआ है, इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अपर लोअर लैशेस पर दोनों पर अप्लाई करेंगे।
तो मस्कारा को हमने अप्लाई कर लिया है, तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वीडियो में कम दिखाई दे रहा है, बट इस वैसे अगर आप देखते तो इसको बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।